नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप एज अ बॉर्डर या फिर पूरे स्वेटर में आप एज अ डिज़ाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे बनाने के लिए फंदों का कोई बंधन नहीं है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कितने भी फंदे डाल सकते हैं। आप इसे जर्न स्वेटर में डालिए, हाई नेक बनाइए, देखिए कितना खूबसूरत दिखाई देगा। तो इसे बनाने के लिए मैंने 15 स्टिचेस डाल रखे हैं और एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। सिंगल रिब में हम सारे फंदे बुन लेंगे। सेकेंड रो में भी हम, अब चूँकि हमने 8 संख्या में फंदे लिए थे तो सीधा से शुरू किया था तो सीधा पे ख़त्म हुआ है, तो ये हमारे सेकेंड रो में फर्स्ट फंदा जो है उल्टा है, तो एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, यानी सिंगल रिब में बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा बेस तैयार हो गया। अब इस पर हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे, यानी थर्ड रो से डिज़ाइन बनना शुरू होगा। तो पहला फंदा इसे हम स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा उल्टा बुन लेंगे, अब ऊन दूसरी ओर करेंगे और ये देखिए, ये सीधा फंदा है और ये उल्टा फंदा है। ये सीधा फंदा है और ये उल्टा फंदा है और ये धागा दोनों को जोड़ता है। तो इस धागे के नीचे ऐसे सिलाई लगाएंगे और फिर सीधे वाले फंदे में ऐसे नीचे से डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब दोनों को ऐसे गिरा देंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये सीधा फंदा है और ये उल्टा फंदा है और ये धागा दोनों को जोड़ने वाला धागा है। तो इसमें ऐसे नीचे से सिलाई डालेंगे और इस फंदे में ऐसे पीछे से और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा है, उसे उल्टा बुन लेंगे। ऊन दूसरी ओर करेंगे, अगला फंदा सीधा है और ये उल्टा फंदा है और ये इन दोनों को जोड़ने वाली धागा है, ये धागा इन दोनों फंदों को जोड़ रहा है। तो इसके नीचे ऐसे सिलाई लगाएंगे और फिर सीधे फंदे में पीछे की तरफ से ऐसे डाल देंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। ये इस तरह करने से ये फंदा ऐसे घूम जा रहा है। अगला फंदा उल्टा, धागा ज्वाइंट करने वाला धागा और फिर सीधे फंदे में नीचे से एक सीधा फंदा बनाया, नेक्स्ट उल्टा, उन दूसरी ओर किया धागे में और फिर फंदे में एक सीधा फंदा बनाया, अगला उल्टा, उन दूसरी ओर किया, ये सीधा फंदा और ये उल्टा फंदा, ये इसके बीच का धागा, ये फिर इसके नीचे सिलाई डाला, फिर फंदे में पीछे से सिलाई डाला और एक सीधा फंदा बना लिया, अगला फंदा उल्टा, लास्ट फंदा एज स्टिच है, उसे हम सीधा बुन लेंगे और ये रॉन्ग साइड है तो रॉन्ग साइड से जैसा फंदा दिखाई दे रहा है, यानी पहला फंदा उल्टा है, इसे उल्टा, नेक्स्ट को सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, जैसे दिखाई दे रहा है, यानी सिंगल रिब में हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। अब ये हमारा फिफ्थ रो है।
तो फर्स्ट पहला फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा है इसे हम उल्टा बुन लेंगे, अब उनको दूसरी ओर करेंगे। अब ये सीधा फंदा है और उल्टा फंदा जो हमने अभी बुना है, और ये धागा इन दोनों को जोड़ने वाला है। तो इस धागे में और पीछे से सीधे फंदे में दोनों में सिलाई डालेंगे। हमारा दाहिने सिलाई पे दोनों फंदा आ गया, बाएं सिलाई को इसमें ऐसे इंसर्ट करेंगे और दोनों को एक साथ ऐसे लेके सीधा बुन लेंगे। अगला फंदा उल्टा दूसरी ओर करेंगे। ये सीधा फंदा है, ये उल्टा फंदा है और ये धागा इन दोनों को जोड़ने वाला है। तो इस धागे के नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और फिर पीछे से सीधे वाले फंदे में फिर दोनों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। ये देखिए ऐसे घूम गया। अगला फंदा उल्टा उन दूसरी ओर करेंगे, सीधे उल्टे फंदों को जोड़ने वाले धागे में और फिर पीछे की तरफ से सीधे फंदे में सिलाई डालेंगे, दोनों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बना लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे। अगला फंदा उल्टा उन दूसरी ओर करेंगे। ये सीधे और उल्टे को जोड़ने वाला ये धागा है, इसमें पहले इसमें सिलाई डालेंगे और फिर सीधे वाले फंदे में पीछे से, और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे। अगला फंदा उल्टा उन दूसरी ओर करेंगे। सीधा फंदा उसके और उल्टे फंदे को जोड़ने वाला धागा, ये सीधा फंदा सीधे फंदे में ऐसे पीछे से डालेंगे। अब देखिए सिलाई पे दो धागे हो गए हैं, तो दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा उल्टा है, उसे उल्टा बुन लेंगे उन दूसरी ओर करेंगे। ये सीधे और उल्टे फंदों को जोड़ने वाला धागा और ये सीधा फंदा, तो दोनों में एक साथ ऐसे सिलाई डालेंगे। पहले हम धागे में सिलाई डालेंगे, उसके बाद फंदे में, और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा उल्टा है, उसे उल्टा बुन लेंगे। लास्ट फंदा एज स्टिच है, उसे हम सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा, और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुन लेंगे। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, ऐसे सिंगल रिब में बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। एक बार आप फिर से देख लीजिए, देखिए ये डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है। एक बार फिर से देख लिए, पहला फंदा एज स्टिच है, ऐसे स्लिप किया, अगला फंदा उल्टा, और अब ये हमारा डिज़ाइन देखिए ऐसे जिगजैग जा रहा है। अब पहले क्या करेंगे, पहले इस सीधे और उल्टे फंदों को जोड़ने वाले धागे में ऐसे सिलाई डालेंगे और फिर पीछे से सीधे वाले फंदे में, और दोनों को एक साथ लेके एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा उल्टा उन दूसरी ओर करेंगे। पहले सीधे और उल्टे फंदे को ज्वाइंट करने वाले धागे में सिलाई डालेंगे और फिर सीधे वाले फंदे में, और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बुन लेंगे उन दूसरी ओर करेंगे। फिर से देखिएगा, ये सीधा फंदा है, ये उल्टा फंदा है, और ये इन दोनों को ज्वाइंट करने वाला धागा है। तो पहले इसमें हम सिलाई डालेंगे और तब सीधे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा उल्टा रॉन्ग साइड से जैसा दिखाई दे रहा है वैसा हम बुनेंगे, यानी एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। अब देखिए एक बार हम सीधे फंदे के बाद जो धागा है उसमें सिलाई डाल रहे हैं, और दूसरी बार एज स्टिच है ऐसे स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा उल्टा बुनेंगे, और दूसरी बार धागे में पहले सिलाई डालें, यानी हमको हर हाल में धागे में ही पहले सिलाई डालना है। या तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में पहले डालें और बनाएं, या फिर अब हमने पिछली बार में हम इसके सीधे फंदे के लेफ्ट हैंड साइड में डाला था और
ऐसे बनाया था। और अब अगली बार यानी इस बार पहले राइट हैंड साइड वाले धागे में ऐसे सिलाई डालेंगे और तब फंदे में डालेंगे, और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। तो हम जिधर डालेंगे, देखिए अब पिछली बार हमारा इधर की तरफ मुड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मुड़ा है, ये ऐसे जिग जग जा रहा है। तो पिछली बार हमने राइट लेफ्ट हैंड साइड में पहले सिलाई डाला था, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो धागा है उसमें सिलाई डाला था। तो इस बार हमको ये इस साइड की तरफ राइट हैंड साइड की तरफ इसको घुमाना है, तो पहले इसमें डालेंगे और तब धागे में डालेंगे। तो ये देखिए इस साइड में घूम जाएगा। पिछली बार हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ घुमाया था, बाई ओर घुमाया था, और इस बार हमें दाई ओर घुमाना है। तो दाई ओर घुमाने के लिए पहले दाई तरफ वाले धागे में सिलाई डालेंगे और तब फंदे में डालेंगे। दाई तरफ घुमाने के लिए पहले दाई तरफ वाले धागे में डालेंगे और तब फंदे में डालेंगे। और अगर हमें एक बार दाई तरफ करके बाद सारा फंदा हमने बुन लिया, अब हमें बाई तरफ घुमाना है, तो पहले इसमें डालेंगे और तब फंदे में डालेंगे। बाई तरफ घुमाना है तो पहले बाई तरफ वाले धागे में डालेंगे और तब फंदे में डालेंगे, लेकिन इस लाइन में हमें दाहिनी तरफ इसे घुमाना है, तो पहले दाहिनी तरफ वाले धागे में डालेंगे फिर फंदे में डालेंगे। तो ये दाहिनी तरफ देखिए घूम जा रहा है। उल्टा बुनने के बाद पहले दाहिनी तरफ वाले धागे में डालेंगे और फिर फंदे में डालेंगे और इसे बुनेंगे, तो ये दाहिनी तरफ घूम गया। देखिए अब देखिए हमारा ये जो है वो ऐसे इधर की तरफ आया है और हमें बाई तरफ इसे घुमाना है। तो पहले बाई तरफ वाले धागे में सिलाई डालेंगे और फिर इस फंदे में सीधे फंदे में सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे। देखिए ये बाई तरफ घूम गया, तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। उल्टा फंदा बना लिया और फिर सीधा फंदा बुनने से पहले हमें देखना होगा कि ये हमें बाई तरफ घुमाना है कि दाई तरफ घुमाना है। अब देखिए पिछली लाइन में हमने दाहिनी तरफ घुमाया था, तो इस लाइन में हमें बाएं तरफ घुमाना होगा। तो बाएं तरफ घुमाने के लिए पहले बाएं तरफ वाले धागे में हम डालेंगे और फिर फंदे में सिलाई डालेंगे और फिर दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। देखिए ये ऐसे बाएं तरफ घूम गया। अगला फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बुन लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे। अब हमें इसे बाएं तरफ घुमाना है, तो पहले बाएं तरफ वाले सिलाई धागे में सिलाई डालेंगे और फिर फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे। बाएं तरफ घुमाना है इसलिए पहले बाएं तरफ वाले धागे में और फिर फंदे में दोनों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा उल्टा, बाएं तरफ घुमाना है तो पहले बाएं तरफ वाले धागे में फिर फंदे में डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। डिज़ाइन बहुत ही आसान है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा और एक ये खूबसूरत जिगजैग पैटर्न बनता चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने देखिए इसे मैंने बनाया है। ये कार्डिगन या जैकेट जो भी आप बनाएं तो इसे एज अ बॉर्डर बनाएं, और यहाँ पे ये देखिए इसे मैंने प्लेन बनाया है। तो या तो इसे पूरे स्वेटर में बना दें, जेंट स्वेटर में बनाइए, पूरे स्वेटर में डालिए, आप हाई नेक ऊपर रखिए, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। और कार्डिगन में आप इसे एज अ बॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप भी इसे अपने स्वेटर में अप्लाई करें।
इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।